अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झज्जर के ब्रह्म कुमारी आश्रम में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे झज्जर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भारती डबास। डबास ने कहा कि रक्षाबंधन भारत का एक पवित्र त्यौहार है जिसे हिंदू धर्म में बड़ी प्रेम भाव से मनाया जाता है। उन्होंने कहा, इस त्यौहार में यह नहीं है कि भाई को ही बहन राखी बांधे, इसमें बहन भी अपनी दूसरी बहन को राखी बांध सकती है और उसकी रक्षा का वचन भी ले सकती है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ आकर मुझे बहुत ही शांति का आभास हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल बिल्कुल शांति में है, यहाँ आकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी आश्रम के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा उनका सौभाग्य है कि उन्हें यहाँ आने का निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी आश्रम की सेविका द्वारा DSP भारती डबास का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें आश्रम की ओर से रक्षा का सूत्र कहे जाने वाले रक्षाबंधन के अवसर पर राखी भी बांधी गई और कहा कि रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर वह यहाँ आई है उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती है। DSP भारती डबास ने ब्रह्म कुमारी की सेविकाओं का धन्यवाद किया, साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए दुर्गा एप्स के बारे में भी जानकारी दी और उन्होंने कहा इस एप से पहले अपने एंड्रॉइड मोबाइल में डाउनलोड करना होगा और उसके बाद जहां पर भी महिलाएं या लड़कियां अपने आप को असुरक्षित समझती हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा ऐप जो महिलाओं व स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मैम बताएंगे आप यहाँ पे आए, रक्षाबंधन का आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है? यहाँ पे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही पीसफुल जगह है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ की जगह की और मैंने सभी को यही मैसेज दिया है कि रक्षाबंधन पे हम सभी की बहनों को हम ये आश्वासन देते हैं जज्जर पुलिस की तरफ से, महिला पुलिस की तरफ से, कि हम सभी की रक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कार्य करेंगे। मैम दुर्गा ऐप चलाया था जिला प्रशासन ने, तो कहाँ तक कारगर साबित हुआ है? इसमें हमने दुर्गा शक्ति टीम्स की, हमने दो टीम्स हमने फॉर्मेशन की है, एक बहादुरगढ़ के लिए और एक झज्जर के लिए और वो सभी टीम्स जो हैं हमारी झज्जर के कॉलेजेस में, स्कूल्स में एज वेल एज बहादुरगढ़ के भी स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके और जो मार्केट एरियाज हैं, बस स्टैंड्स हैं, रेलवे स्टेशन है, उन पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस ऐप के बारे में जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको वो डाउनलोड भी कराया जा रहा है ताकि अगर कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो उन्हें वो यूज़ कर लें। तो किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं युवाओं को, खासकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए? युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक तो हमने उनको ये दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में बताया है और इसका हमने उनको प्रोसेस समझाया कि उसको कैसे डाउनलोड किया जाए और इसके अलावा हमने ये भी बताया है कि अगर कहीं पे भी आप अपने साथ ही नहीं किसी और के साथ भी अगर ऐसी कोई घटना घटित होते हुए देखते हैं तो उसके बारे में भी आप इस ऐप के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो कितना रिस्पांस मिला आप तक? रिस्पांस ठीक है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में हम इसको और अवेयरनेस करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँच सके। थैंक यू। झज्जर से गौरव के साथ संजय थराण की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।